अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकटेश चैनल। कुकटेश चैनल वेलकम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, इस तरह प्यारों को देते रहिएगा। अच्छा, आज का जो टॉप वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन देखनी लाजमी है, आपके लिए बड़ा फायदा होगा जो एलईडी बाय करने वाले हैं। TCL का एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है। ये इसका बेसिकली पुराना मॉडल जो था P735 था, उसका नया मॉडल निकाला है P755। इसके अंदर आपको ऑप्शन जो साइजेस मिलते हैं वो 43 में मिलेगा, 50 इंचेस का मिलेगा, 55 में मिलेगा, 65 में मिलेगा और 75 तक अवेलेबल हो जाएगा। और ये सारे साइज मेरे पास आ गए हैं। ये मॉडल लेटेस्ट है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। के टॉपिक ये प्रोडक्ट्स में दिखाता हूँ और फिर आपको बेसिक से थोड़ा समझाता हूँ। वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने देखनी जरूर है कि अगर आपको इसमें फायदा ही होगा। ये मॉडल है 50P755। ये डिस्प्ले की है, कल फिर मैं चलाऊंगा उसका 55 इंच का। ये है जनरल फीचर में, अगर हम बात करेंगे तो जनरल फीचर में आ जाएगा इसका साइज 50 इंचेस का है। CPU जो कॉर्टेक्स है 855 के साथ है और 1.5 GHz इसका स्पीड है और 1.9 Hz तक जाता है ये। उसके बाद हम जाएंगे तो इसमें आपको OS एंड्रॉयड मिलेगा आपको और रैम रोम जो है वो 2GB DDR4 के साथ, वो समझ जाते हैं आप, 16GB फ्लैश के साथ है इसका और गूगल TV है UI। और उसके बाद हम जाएंगे इसकी पावर कंजम्पशन जो 50 की बनती है 120 वाट्स की इसकी टोटल पावर है जब ये चल रहा होता है तो। और सर्टिफिकेशन किसकी है इसकी, इनके पास जो है डॉल्बी ऑडियो है, डॉल्बी विजन है, डॉल्बी एटमोस है, DTS HD के साथ है, गूगल ऑफिशियल सर्टिफिकेट के साथ है और नेटफ्लिक्स भी ऑफिशियल सर्टिफिकेट के साथ है इनके पास। और वाईफाई की हम जब बात करेंगे तो वाईफाई तो ऑप्शन है इसमें, लैन की भी है और हॉटस्पॉट भी, जैसे पहले थी ये पहली वाली ऑप्शन के साथ ही आया था। और इसका जो रिमोट उन्होंने हैंड फ्री दे दिया हुआ है। और उसके अलावा जब मजीद हम जाएंगे तो डिस्प्ले की हम जब बात करेंगे तो डिस्प्ले अगर देख रहे होंगे इसमें भाई दिखाई दे रहा है, ये इसका अगला वर्जन है, ये इसका पुराना वर्जन लगा हुआ है। डिस्प्ले को आपको नजर आ जाएगा, डिस्प्ले में काफी फर्क होगा। और डिस्प्ले की हम बात करेंगे, डिस्प्ले इसका टाइप इन्होंने इसका पैनल जो दिया वो DLED में दे दिया है और रेजोल्यूशन जो है वही 3840x2160 के, यानी UHD पैनल 4K के साथ और UHD सपोर्टेड है HDR। हाँ, ये एक और प्लस पॉइंट कर दिया कि HDR पहले 10 आ रहा था, अब इसमें इन्होंने HDR 10 प्लस कर दिया है और HDR सपोर्ट्स के सपोर्ट करती है, HDR भी पिन ड्राइव सपोर्ट करेगी और UHD भी सपोर्ट करेगी और हाई कलर गार्मेंट्स भी इसमें प्लस करी है, 93% कर दी है इसको और ब्राइटनेस 3350 निट्स के साथ कर दी है और कंट्रास्ट जो है 5001 के साथ है, रिफ्रेश रेट 60Hz ही है। अब हम ऑडियो की बात करेंगे तो ऑडियो के अंदर हम बात करेंगे तो ऑडियो इसका बॉटम स्पीकर्स, ये जैसे बॉटम स्पीकर्स और पर स्पीकर्स जो है ये दो स्पीकर्स, एक स्पीकर स्पीकर्स है और एक साइड पे स्पीकर है, लेफ्ट राइट स्पीकर्स है। और स्पीकर्स की जो वॉट्स आपकी है वो 10x2 यानी कि 10-10 वॉट के दो स्पीकर्स लगे हुए हैं और डॉल्बी एटमोस साउंड है और DTS साउंड है और HDMI 3 है, एक HDMI इसकी 1.4 की है, एक HDMI 2.0 की है और एक HDMI 2.1 की है और केबल पोर्ट्स अवेलेबल है। और एक और मजे की चीज़ की है इसमें USB जो कर दी है 3.0 कर दी है और ऑडियो इन एक है और 2 साल ये लोग पैनल की वारंटी दे रहे हैं और 2 साल पार्ट्स की वारंटी दे रहे हैं। अब थोड़ा सा हम डिटेल में अगर जाएंगे, इसके डिटेल में अगर जाते हैं तो थोड़ी सी आप जब कस्टमर्स आता है मेरे पास तो वो आके थोड़ा सा मुझे पूछता है कि यार इसके अंदर क्या प्लस पॉइंट किया है, बाकी तो सारा मैं थोड़ा सा डिटेल दे दिया आपको, थोड़ी सी मजीद डिटेल देता हूँ कि इसके अंदर किया क्या इन्होंने किया क्या है इन्होंने। फर्स्ट वन तो इसमें API Q जो है वो प्लस कर दी है, जो पहले वाले में नहीं था, जो नहीं था वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसको डिस्कस करेंगे तो और वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे जो उसमें नहीं था जो इसमें किया है। API यानी कि इंटेलिजेंट API, इसमें स्क्रीन हो गई है, टी स्क्रीन हो गई है। टी स्क्रीन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। टी स्क्रीन बेसिकली आपके कलर कंट्रास्ट को और ब्लू लाइट्स को काम करती है कि अगर कोई गेमिंग कर रहे हो आप या आप लॉन्ग लास्टिंग इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो आप, पैनल देख रहे हो, अपने LED देख रहे हो तो उसमें लॉन्ग लास्टिंग में अगर जाते हो तो आपकी आईज थकती नहीं है। हेल्थ केयर है, आई केयर इसमें स्पेशल डाला इन्होंने कि हेल्थ आई केयर इसमें स्पेशल डाल दिया सॉफ्टवेयर जो आपके आई को थकाता नहीं है, कि एक्सेस ब्राइटनेस नहीं है, एक्सेस कलर नहीं है, जिससे आपकी आई को काफी सुकून रहता है कि अगर थोड़ा मैच लंबा देखा, 8-9 घंटे का TV देख लिया या गेमिंग आपने 3-4 घंटे कर लिए तो आपके आई को बेहतरीन करता है। और सेकेंडली हम बात करेंगे इसमें तो और IP के साथ स्क्रीन, टी स्क्रीन के साथ, और उसमें इन्होंने अब पहले वाले में जो नहीं था
वो गेम मास्टर नहीं था। अब इसमें उन्होंने गेम मास्टर भी कर दिया है। गेम मास्टर करने से ये होता है कि आप जब 2.1 एचडी में पे गेमिंग करते हो तो उसमें आपका जीआईजी, एचआईजी, एएलएलएम, वीवीआर, एमईएमसी, फिर थर्डली गेम फ्लिकरिंग ऑप्शंस, जिसको हम गेम बार कहते हैं, गेम स्लाइड बार खुलता है जिससे आपका एज फ्लिप कर रहा हो तो उसको खत्म कर सकते हैं, एम सेट कर सकते हैं। ये आपके गेमर्स के लिए है बेसिकली, आम कंज्यूमर को फायदा नहीं, गेमर्स को इससे फायदा ज्यादा होता है इस सेंस में। और इसके अलावा बात करेंगे एमईएमसी हो गया, हाँ डीटीएस वर्चुअल एक्स कर दिए इन्होंने, जिससे साउंड क्वालिटी इसकी बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाती है और ये मल्टीपर्पज काम करता है, जिसमें आपकी कलर कंट्रास्ट ब्राइटनेस और हर चीज से करता है। और ये एचडीआर 10 प्लस है जैसे मैंने पहले बताया, जिसमें आपको बहुत कलर कंट्रास्ट अच्छे मिल जाते हैं और ब्राइटनेस इसकी पहले से बेहतर की है। और कलर इसके साथ इसमें टी स्क्रीन के अंदर मल्टीपर्पज होती है, इसमें मल्टीपर्पज के अंदर क्या करते हैं हम, मल्टीपर्पज की बात करें आई केयर आ जाता है, एंगल इसका बढ़ जाता है 178 डिग्री एंगल इसका कर दिया है इन्होंने, और कि अगर आप लेफ्ट राइट कहीं पर भी आप बैठे हैं तो आपका विजन खराब नहीं होता है, विजन बेहतरीन रहता है। और ब्लू स्क्रीन जो इसकी बहुत डार्क एक्सेस जो ऑप्शंस कलर्स की थी उसको नॉर्मल कर दिया इन्होंने। और इसका थोड़ा सा मैं आपको रिमोट भी दिखाता हूँ, ये इसका रिमोट, ये इसका जो मैं आपको दिखाता हूँ रिमोट, ये वाला रिमोट जो है ये पुराने वाला रिमोट है, ये पुराना रिमोट है और ये अब नया रिमोट है। रिमोट देखने में तो बाहर वही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बट ये 1, 2, 3 अब इसमें देखें कलर बटन चेंज है इसके, एक तो ये बटन चेंज कर दिए हैं, दूसरा इसके अंदर कलर था ये माइक कर दिया है। कुछ कस्टमर्स को थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि यार ये माइक कहाँ से चलेगा, तो माइक की ऑप्शन उन्होंने दे दिए ऊपर। और इसमें इन्होंने पहले वाले में ये यूएसबी के लिए ऑप्शन दी हुई थी, अब इसमें जो नॉर्मली ब्राउजर जो ढूंढते थे ये ब्राउजर की वन टच पे सारा रिमोट दे दिया आपको, यानी कि वन टच ऑलमोस्ट हो गया, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियोज और आपका ये ब्राउजर आपका एक ही वीडियो से हो जाता है। और इफ यू गेट टू एनी प्रॉब्लम, चले ये भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही कि ये विशेष के इसके नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको, नंबर भी आपको बता देता हूँ कि इफ़ यू गेट टू एनी प्रॉब्लम फॉर TCL, बल्कि वो गारंटी कार्ड होता है, गारंटी कार्ड से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हाँ इसमें बाय क्या क्या करना आपने, बाय के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको कि यूनिट बाय करना है, फर्स्ट वन रिमोट, सेकेंड वन गारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड आपने लाजमी लेना है, क्योंकि गारंटी कार्ड के ऊपर कोड बार लगा होता है, जब तक ये आपका गारंटी कार्ड नहीं होगा गारंटी क्लेम कंपनी नहीं करती है। ये 12 मैंने आप वीडियो बताया, एक रिमोट होगा, एक गारंटी कार्ड होगा इसका, और इसमें AV ये ऑडियो वीडियो केबल होगी, और नीचे बेस के पेच, और ये आपका सेल, और एक ये कॉपी, ये 4-5 चीज़ें ये हो गई। और उसके अलावा इसमें, इसके अलावा इसमें अगर जाएंगे तो वो आपको वॉल माउंटेड ब्रैकेट भी मिलेगा और टेबल स्टैंड भी मिलेगा। और ये लेटेस्ट मॉडल है कौन से वाला, 50P7 5, ये लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया है इन्होंने, पहले आइए पहले पाइए। मुझे तो यूनिट बाहर बहुत अच्छा लगा है, मेरे ख्याल में आपने रिव्यू सुना होगा तो आपको भी कुछ बेहतर लगा होगा, अगर कुछ थोड़ी कवाहत हो तो उसके लिए माजरत। अगर आपने मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये रेट लेना है, ये ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैंने 12 बताया कि आपने कोई रेट शीट लेना हो तो व्हाट्सअप नंबर पे आप ले सकते हो। आपकी मोहब्बतों चाहतों का बहुत शुक्रिया, मेरा चैनल आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, सेहतमंद रहें, अस्सलाम वालेकुम।